आप लोग कुछ कहते क्यों नहीं है उन्हें? क्या कहें, जवाब दे उन्हें, बेइज्जती करें उनकी, क्या हो गया तुम्हें? लड़की वाले हम, लड़की वाले इंसान नहीं होते हैं क्या? अब आप अपनी बेटी दे रहे हैं उन्हें, कोई कागज का टुकड़ा नहीं। मुझे आज भी याद है अच्छी तरह कि वो जिद लगा के बैठ गया था कि कॉलेज में जो सबसे खूबसूरत लड़की पे उसकी नजर पड़ी है शादी भी उसी से करेगा। वरना सच पूछे आज भी उसके लिए ना एक से एक अच्छा रिश्ता मौजूद है। जी ये तो अल्लाह के काम है नैला भाभी। अच्छा चले ठीक है, चलती हूँ मैं। मैं कुछ लिया नहीं होगा ये, अरे ये प्लास्टर अभी तक उखड़ा हुआ है, मुझे तो लगा था शादी का घर है, इतना तो आपने करवा ही लिया होगा। जी वो शादी की तैयारियों में ज़हन से ही निकल गया, फिक्र ना करें मैं कल पेंट करवा देता हूँ जी। अच्छा अच्छा ठीक है, मानूर को पूछिएगा मेरी तरफ से, चलती हूँ मैं। कुछ मत कहना। अब्बा ये किस तरह से बात करके गई है वो? अब तुम ना शुरू हो जाना प्लीज। तुम खामोश रहो। अब्बा शादी कर रहे हैं, कोई एहसान नहीं कर रहे हैं। छोटी छोटी बातों को दरगुजर करना चाहिए, और अगर तुम्हें ये नहीं आता ना तो सीख लो, अभी भी वक्त है। कैसी बात है अब्बा, हमारे घर आके हमें छोटा और हकीर महसूस कराना, ये छोटी सी बात है अब्बा। अंदर ले जाओ इसको। चले आप लोग कुछ कहते क्यों नहीं है उन्हें? क्या कहें, जवाब दे उन्हें, बेइज्जती करें उनकी, क्या हो गया तुम्हें? लड़की वाले हम, लड़की वाले इंसान नहीं होते हैं क्या? अब आप अपनी बेटी दे रहे हैं उन्हें, कोई कागज का टुकड़ा नहीं जिसे अगला आए और मसल कर फेंक कर चला जाए। आप ना इसे कहो कि मेरे सर में दर्द हो रहा है, ये खामोश हो जाए प्लीज। खामोशी तो हो, तभी तो वो कर रही हूँ जो आप कह रहे हैं मुझसे। अरे बड़ा एहसान है आपका, आप ऐसा की दीजिए, तशरीफ ले जाएगी और सो जाइए। मुराद शाह साहब ने मुझे दूसरी नौकरी पे बुला लिया, मैं चला जाऊंगा, तुम्हें ब्याह कहती हूँ तो भी चला जाता। आप कहीं मत जाए, मैं चली जाती हूँ। समझाओ यार इसे। मैं समझाती हूँ। प्लास्टर उखड़ा हुआ है, शेरवानी का उन्हें पसंद नहीं आया फैब्रिक।